बागेश्वर धाम में रोती महिला बोली, नहीं हो रहा बच्चा। धीरेंद्र शास्त्री ने बताए चमत्कारी उपाय। कथावाचक और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में हैं और वो लगातार लोगों की समस्याओं को सुनकर चमत्कारी सुझाव दे रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर धीरेंद्र शास्त्री के पास पहुँच रहे हैं और वो पर्चा लिखकर अपना सुझाव देते हैं। अब धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला की फरियाद पर संतान प्राप्ति को लेकर उपाय बताते नजर आ रहे हैं। महिला के बोलने से पहले ही लिख लेते हैं पर्चा। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री अपने दरबार में सविता नाम की महिला को बुलाते हैं और महिला के सवाल करने से पहले वह पर्चा लिख लेते हैं। इस दौरान महिला रोने लगती है और बताती है कि उसको संतान नहीं हो पा रही है। साथ ही महिला बताती है कि पति का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा है। धीरेंद्र शास्त्री ने पर्चा पढ़कर बताया, पेट का दर्द रहता है और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। संतान की अर्जी लेकर आई है, गर्भाशय में दिक्कत डॉक्टर ने बताई है, आराम लगेगा, वर्तमान की जांच नॉर्मल आई है। उन्होंने आगे कहा कि धाम से संतान योग बन जाएगा, आशीर्वाद है। संतान नहीं है महाराज मेरी। और कोई बात? और पति का बिजनेस भी नहीं चल रहा है कुछ। पेट का दर्द रहता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्लेश बनता। संतान की अर्जी लेकर आई है, धन तंगी दूर होगी पति की, संतान मनोरथ पूर्ण होगा, गर्भाशय में दिक्कत डॉक्टर ने बताई हुई है, आराम लगेगा, वर्तमान की जाँच आपकी नॉर्मल आ गई है, नॉर्मल आ गई है, वर्तमान की जांच आनी कुछ दिन पहले की, और धाम से ही संतति योग बन जाएगा, आशीर्वाद। जय हो महाराज। अब आपको घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति चलानी है, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी, जहाँ दवा काम करनी है वहाँ दवा करवाइए। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़े, पेट दर्द कर रहा, अब हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, धाम ही ठीक कर देगा। क्यों भगवान को परेशान करें, जब थोड़ी सी गोली में ठीक हो सकता है तो मंत्र का प्रयोग क्यों करें। धीरेंद्र शास्त्री ने महिला को बताए चमत्कारी उपाय। महिला को संतान योग का आशीर्वाद देते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि आपको घर में 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम सबको निवेदन करते हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है, जहां दवा काम करनी है वहां दवा करवाइए। जरूरी नहीं कि बागेश्वर धाम से जुड़े हैं और पेट दर्द कर रहा है तो दवा नहीं खाएंगे, धाम ही ठीक कर देगा। जब छोटी सी गोली में ठीक हो सकता है तो क्यों भगवान को परेशान करें।